नमस्कार, मैं हूँ दीपाली और अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ग्वालियर पाल समाज की बैठक जल विहार में आयोजित की गई। क्राइम ब्रांच ग्वालियर ने फर्जी तरीके से एसएससी परीक्षा देने वाले आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। बेटी है तो कल संस्था द्वारा महिला सम्मान रैली निकाली गई और कैलाशवासी माधव सिंधिया की जयंती का कांग्रेस पार्टी ने प्रभाव किया। अब समाचार विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोदी हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। स्वागत करता हूँ, साथ में हमारे संभागीय संगठन मंत्री आदरणीय शैलेंद्र दरुआ जी, मध्य प्रदेश कृपा करके वे आए और आज की संभागीय बैठक में मंडलाय चुनाव तो बोलना ठीक है। जो बैठक लेने वाले हैं संभाग भर से पदाधिकारी और आपके नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे प्रभारी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का पूरे राज्य में प्रवास चल रहा है। अब आज से प्रदेश में स्थानीय नेताओं का प्रवास नीमच से प्रारंभ हुआ है। यह प्रवास कार्यक्रम पूरे राज्य में होगा। ग्वालियर संभाग में भी इसकी तारीखें तय हैं। यह प्रवास ठीक हो इसकी तैयारी की दृष्टि से, आगे चुनाव की संरचना की दृष्टि से संभावना है कि आजकल में कभी भी आचार संहिता लग जाएगी, तो उस दृष्टि से जो प्रमुख विषय हैं, आंतरिक विषय हैं, उन पर आज की बैठक में चर्चा होगी। ग्वालियर पाल समाज की बैठक जल विहार में आयोजित की गई, जिसमें समाज के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। संगठन होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी संगठन का महत्व समझेगी। आप सोच के देखिए 20 साल बाद का क्या होगा, कितने कितने देश मिट गए। विमर्श यानी कि परिचर्चा, ऐसा परिचर्चा जिसका कोई सार निकाला जाए, जिसमें कुछ संगठन की नींव आपके समर्पण पर है, आपके अनुशासन पर है। अभी भी कह रहे हैं, अभी भी समझ लीजिए, आप युवा हैं, आप जी लेंगे, आप तो जी लेंगे लात खाते हुए। एक ब्राह्मण सांसद आपके विधायक में लात मारता है, जूते मारता है। अगर थोड़ी बहुत भी पीड़ा मन में रहती हो तो निश्चित ही आपको चिंतन करना चाहिए। हम अपने लिए जीते हैं, 8 घंटे में से सप्ताह में 4 घंटे समाज के लिए दीजिए, 2 घंटे दीजिए, जितना समय देंगे सच्चे मन से। सौम्यता दिखेगी, आपका अनुशासन दिखेगा, आपकी योजना दिखेगी। और हम उस 17 तारीख के कार्यक्रम से एक बहुत बड़ी योजना निकालने वाले हैं, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। मेरा नाम महेंद्र पाल। जैसा प्रश्न करेगा उसका आप जवाब दीजिए। मेंबर जी, आज हुई बैठक की जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका मेन उद्देश्य है कि समाज में जो राजनीति में सभी जगह पे हमारे समाज की जो उपेक्षा की जा रही है, उस बात को लेकर के हम लोग जो है आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और समाज को, समाज के युवा हैं, उनको किस तरह से सही दिशा दी जाए, उसको लिए लेकर के हम लोग जो है ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या लगता है कि पाल समाज में एकजुटता नहीं आ पा रही, जैसे कि पाल समाज का एक कार्यालय भी बना हुआ है, जी बैठक नहीं होती है वहाँ, दूसरा क्या वहाँ दूसरी कमेटी वाले बैठी हुई है जिसके चक्कर में अपन लोगों को खुले मैदान में बैठकें करनी पड़ रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। समाज का आज मीटिंग के लिए हम लोगों ने इस जगह पर इसलिए डिसाइड किया कि शहर के बीच में है, हमारे जो लोगों ने सब लोगों ने डिसाइड किया गया फुलबाग के आसपास कहीं रखा जाए जिसे शहर के बीच में रहे, इसलिए यहाँ पर किया गया। कार्यक्रम खुले में रहते हैं, वहाँ पर जो खुद का बना हुआ है पाल समाज का, बिल्कुल बना हुआ है। आज का जो प्रोग्राम था, आज का भी हम एक 17 तारीख को एक प्रोग्राम करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मल्हार राव होलकर जी की एक जयंती है 16 मार्च को, तो 17 मार्च को हम वो प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। 16 मार्च 1693 को मल्हार राव होलकर का जन्म हुआ था, तो उनके जन्मशती के उपलब्ध में उपलक्ष्य में हम ये कार्यक्रम करना चाह रहे हैं और समाज के लोगों को वहाँ संगठित करके, ताकि समाज के लोग भी समझ सकें कि उनके समाज के भी राजे महाराजे रहे, उन्होंने भी शासन किया और समाज के लोग संगठित हो सकें, समाज के लोग, क्योंकि डेफिनेटली समाज जब संगठित होता है तो सभी दल उनकी तरफ देखते हैं। हम लोगों ने जब पहले राजनीति की थी 2003 में, मैंने चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में मुझे 15,000 वोट मिले थे। उसके बाद 2007 में हमने एक लोकसभा चुनाव अपने समाज को लड़ाया था, पहली बार देश के आज़ाद होने के बाद पहली बार एक चुनाव लड़ा। उस चुनाव में बघेल समाज ने जो अपना प्रतिनिधि उतारा,
उस प्रतिनिधि को 51,000 वोट इस लोकसभा में मिले। क्या लगता है बहुजन समाज को एकजुटता करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बहुत जल्दी नजदीक आ रहे हैं। हम लोगों की कोशिश हमारे ये होगी कि हम एकजुट होकर के लोकसभा में भी बघेल समाज का एक प्रत्याशी रखें, क्योंकि कारण ये है कि जहाँ जो जो दल हैं वो हमें उपेक्षित कर रहे हैं, तो उन दलों को हमें पुनः एहसास कराना है कि हमारी ताकत क्या है, हम जोड़ सकते हैं, हम किस तरह से किसी को हरा सकते हैं, वो हम जरूर स्थिति पैदा करेंगे। जयारोग अस्पताल में स्वाइन फ्लू से चौथी मौत का मामला सामने आया है, जिसमें एक मृतक महिला ने परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। और पहाड़िया निवासी एक महिला को शनिवार की शाम को स्वाइन फ्लू वार्ड में भर्ती किया गया था। इसी बीच परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। एडीएम से शिकायत हुई तो जीएच अधीक्षक एवं मेडिसिन विभाग के एचओडी भी पहुंच गए। इसी बीच मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी हंगामा देख रुक गए। परिजनों ने जब कहा कि डॉक्टर को मरीज ही नहीं पैसे से मतलब है, तो एचओडी भड़क गए और उन्होंने कहा कि कहीं प्राइवेट क्लिनिक नहीं चलाता, यहाँ पर सेवा देता हूँ, फालतू की बातें ना करें, आप लोग ही महिलाओं को तब लाएं जब फेफड़े पूरे डैमेज हो चुके हैं। गोलपहाड़िया निवासी 28 वर्षीय महिला को परिजन शनिवार को शाम करीब 4:30 बजे जीएच लेकर पहुंचे। डॉक्टर को चेकअप के बाद स्वाइन फ्लू की आशंका लगी तो महिला को स्वाइन फ्लू वार्ड में भर्ती कर दिया गया। महिला का सैंपल कराकर जांच के लिए भेज दिया गया था। परिजनों का आरोप है कि महिला को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, डॉक्टरों के कहने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं लगाया गया, इसकी शिकायत एडीएम से भी की गई। इसके बाद हंगामा बढ़ा तो एचओडी डॉक्टर ओपी जाटव भी पहुंच गए। इस दौरान आईसीयू में अपने रिश्तेदार को देखने पहुंचे मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी पहुंच गए। जब परिजनों ने मंत्री के सामने आरोप लगाया कि डॉक्टरों को मरीज की नहीं पैसे की चिंता है, तो एचओडी डॉक्टर ओपी जाटव भड़क गए। एचओडी ने कहा कि आप मरीज का 3 दिन से इधर से उधर इलाज करा रहे थे और पूरे फेफड़े डैमेज हो चुके हैं, आपको अपनी उन गलती नहीं दिखाई दी थी, जब यहाँ लाए तो स्थिति काफ़ी गंभीर है, वहीं यह भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और आप बेमतलब से आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का कहना था कि वेंटिलेटर भी जब लगाया, जबकि महिला के मुंह से झाग निकलते देख हमने शिकायत की। दोनों पक्षों में तानातनी होते देख मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने परिजनों को शांत कराया और डॉक्टर को बेहतर इलाज के निर्देश देकर चले गए। आज ये मरीज रजनी कुशवाहा नाम की मरीज दोपहर में 3:30-4 बजे के लगभग यहाँ आए थे। जब आए थे तभी उन्हें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ थी और उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 40% था। जब से आए तब से उनका ट्रीटमेंट लगातार चल रहा है। सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अजयपाल सिंह जी ने भी उनको देखा है, डॉक्टर मनीष शर्मा हैं उनकी यूनिट में, उन्होंने भी उन्हें देखा है। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके तहत इलाज किया जा रहा है बाकायदा। अभी ट्यूब उसकी सेचुरेशन और ज़्यादा ड्रॉप हुआ है तो उसको इंट्यूबेट करके सांस की मशीन पर भी लिया गया है, लेकिन उसकी स्थिति पहले से ही गंभीर थी। अभी उनके दिल की धड़कन चल रही है पर सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इसलिए वेंटिलेटर पे किया हुआ है। सांस की दिक्कत ही तो है, इसीलिए उनको वेंटिलेटर पे लिया हुआ है। अब बिना डॉक्टर के देखे तो कोई ट्यूब नहीं डाल सकता ना, ट्यूब डालने का काम तो डॉक्टर ने किया होगा। जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, इंजेक्शन लगे हैं, बोतलें लगी हैं, जो भी कुछ सब डॉक्टर ने किया ना, मरीजों को तो थोड़ा लगता ही है ना। आपको समय में बाकी अपनी तरफ से काम किया गया है बाकायदा पूरी तरह से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उत्कृष्ट महाविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं का लेकर टाइगर जन कल्याण द्वारा प्रेस वार्ता की गई। आप मीडिया है, आप इसको जब करेंगे तो शायद कार्रवाई इन पर हो कुछ। मध्य प्रदेश में अभी उच्च शिक्षा विभाग के पैनल बदली हुई है, सारे स्टेट का एक प्रोफेसर नहीं है, शिकायत करने के बावजूद भी नहीं जा रहे हैं। ये देखिए रसूख, राजनीतिक रसूख तो इसे कहते हैं ना, शिकायत छोड़ने में किए मैंने, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। कॉलेज का जो समय है समय पर भी आते नहीं है, समय 11 बजे का, 12:30 बजे, 10 बजे कॉमर्स डिपार्टमेंट का, उसमें 11:30-11 बजे समय पर तो आने नहीं है। कॉलेज ओपन है, कोई फिक्र ही नहीं, क्लास में कोई घुस रहा है, ग्राउंड में कोई खेल रहा है, लोग यहाँ पे वॉकिंग के लिए आ रहे हैं, जॉगिंग के लिए आ रहे हैं। कॉलेज को कॉलेज ना मानकर एक पब्लिक प्लेस कर दिया है, यहाँ पे आफ्टर 5 o'clock कोई भी आ सकता है, सुबह के टाइम आप जाइए 5 बजे 6 बजे 7 बजे। कौशलेंद्र राजावत कौशना ने भी आज अपने प्रेस वार्ता रखी है, इसका क्या निर्णय है? इसका औचित्य यह है कि महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय में तमाम अनियमितता हो रही है, विगत कई वर्षों से ऐसी अनियमितता हो रही है, जिनको देखते हुए हमने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी को भी अवगत कराया, माननीय उच्च शिक्षा आयुक्त को भी अवगत कराया, प्रमुख सचिव को भी अवगत कराया। महाविद्यालय में ऐसे तमाम प्रोफेसर हैं जो विगत 25 से 30 वर्षों से यहीं जमे बैठे हैं, राजनीतिक रसूख रखने के कारण चाहे किसी भी सरकार में
उनके नुमाइंदे बैठे हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र ही नहीं लेना चाह रहे। और मैं तो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर जो उच्च शिक्षा विभाग में प्रोफेसरों के स्थानांतरण की कोई समय सीमा नहीं है क्या? राजनीतिक रसूख रखने के कारण क्लास नहीं ले रहे हैं, छात्रों का अहित हो रहा है। जब हम प्रभारी प्राचार्य महोदय से ये बोल रहे हैं कि छात्रों के लिए जिम आप स्टार्ट कराइए, तो हमसे कह रहे हैं कि भाई पैसा नहीं है। जब उनके ऑफिस में फर्नीचर की ज़रूरत नहीं है, फर्नीचर की आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद नया फर्नीचर खरीदना है, फिर पैसा कहाँ से आ रहा है? छात्रों के हित के लिए जो सरकार पैसा दे रही है उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या लगता है आपने आज जी, यदि हमारी, हमने उच्च शिक्षा मंत्री से भी शिकायत की थी, पूरे मध्य प्रदेश में प्रोफेसरों के ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन ग्वालियर महारानी लक्ष्मीबाई उच्च शासकीय उत्कर्ष महाविद्यालय से एक भी प्रोफेसर का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। और यदि ऐसा हुआ तो आगामी समय में हम टाइगर जनकल्याण क्लब के माध्यम से छात्र हित में उग्र आंदोलन करेंगे, और उग्र आंदोलन का उत्तरदायित्व उच्च शिक्षा मंत्री माननीय जीतू पटवारी जी और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग होंगे, क्योंकि हम शिकायत दर्ज करा चुके हैं। एक महीने पहले हमने आयुक्त महोदय को शिकायत दर्ज कराई, प्रमुख सचिव को शिकायत दर्ज कराई। कोई समय सीमा दी जा रही है कि कितने समय बाद आप उग्र आंदोलन? अगर 7 दिन में हमारी समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है तो 7 दिन बाद हम MLV के गेट पर MLV कॉलेज में उग्र आंदोलन करेंगे। कैलाशवासी माधुरा सिंधिया की जयंती पर कांग्रेस कार्यालय से प्रभात फेरी निकाली गई और छतरी पर लोगों ने पहुंचकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। धरती का आकाश का माधव नाम विकास का, धरती का आकाश का माधव नाम विकास का। यार मोबाइल पीछे कर लिया, लिख दिया माधुरा सिंधिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे माधुरा सिंधिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज कैलाशवासी महाराज माधुरा सिंधिया जी की आज 74वीं जयंती है। हम सब उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आज पूरी जिला कांग्रेस ने आज यहाँ पर जयंती पर आज उनको याद किया है, उनको चरणों में पुष्पांजलि दी है। कैलाशवासी महाराज आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके सपने, उनकी याद हमारे बीच हैं। वो विराट व्यक्तित्व के धनी थे, पूरा देश और प्रदेश उनको याद करता है। केंद्रीय मंत्री के रूप में जिस पद पर भी रहे, उन्होंने निश्चित तौर पर देश और प्रदेश की सेवा करने का काम किया, और उनके मन में हमेशा दर्द रहता था समाज के गरीब वर्ग के लिए। समाज की कतार में जो आखिरी व्यक्ति है, शोषित पीड़ित है, जिसकी आंख में आंसू है, उसके प्रति उनके मन में वेदना रहती थी, दर्द रहता था। और केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने ग्वालियर अंचल को बहुत कुछ दिया है। आज उनके जयंती के अवसर पर हम सब उनको याद करते हैं, नमन करते हैं और संकल्प लेते हैं कि उनके जो अधूरे सपने थे ग्वालियर की प्रगति के लिए, ग्वालियर के विकास के लिए, ग्वालियर के गरीब सर्वहारा वर्ग के लिए, उन सपनों की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। उनके जो अधूरे सपने थे उन सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। उनके आशीर्वाद से हम विधायक हैं, हमारी जिम्मेदारी है। कैलाशवासी महाराज के जो अधूरे सपने थे इस ग्वालियर के प्रगति विकास के लिए, निश्चित तौर पर हम सब उस सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। उनके चरणों में सभी कांग्रेसजन नमन करते हैं और संकल्प लेते हैं कि उनकी अधूरी लड़ाई को पूरा करने का काम कांग्रेसजन सभी करेंगे। कब्रिस्तान पर हो रहे अतिक्रमण के विरोध में अल्पसंख्यक मुस्लिम कल्याण संगठन द्वारा फूलबाग पर धरना दिया गया। Thank you.
का राष्ट्रीय अध्यक्ष जकीर रहमान खान हूँ। हम लोगों के द्वारा एक कलेक्टर ग्वालियर को 3 ज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें कि ग्वालियर के सारे कभी कब्रस्तानों पर से का सीमांकन कराने, अतिक्रमण हटवाने की मांग की गई थी, और जिन लोगों ने कब्रस्तानों की ज़मीनें बेची हैं, जिन लोगों ने कब्रस्तानों पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर कागज बनवाए, उनके खिलाफ धारा 420 का केस दर्ज करने के लिए मांग की थी। द प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत उनको बेदखल करने की कार्रवाई की जावे, ये मांग की थी। अभी 19 फरवरी को हमने जो ज्ञापन दिया था दूसरा, उसके अंदर ये मांग की थी कलेक्टर साहब से कि अगर हमारा ये 15 दिन के अंदर सीमांकन नहीं कराया तो 10 तारीख को हम फूलबाग पर धरने पर बैठेंगे। मगर इसके बाद भी ये ग्वालियर के सभी कब्रस्तानों पर, खासतौर से कब्रस्तान चिल्लेसा, कब्रस्तान रामा जी का पुरा, कब्रस्तान नूर मस्जिद के पास, सागर ताल कब्रस्तान, कब्रस्तान मोती मस्जिद, कब्रस्तान मुरार, कब्रस्तान ठाटीपुर, ये अवैध रूप से मकान बनाया है और अवैध मकान बना के इसमें करे गए। और सागर ताल के कब्रस्तान में तो कॉलोनी काटी जा रही है अवैध रूप से रायों के द्वारा, और इसी प्रकार खुर्दी वाले मोहल्ले की मस्जिद के ऊपर कब्जा कर लिया है, मौलवी जरी साहब की दरगाह के ऊपर जो है प्लॉट की प्लॉटिंग की जा रही है, जिससे कि मुस्लिम समाज के लोग की मृत्यु होने पर दफन करने के लिए जगह नहीं बचेगी आने वाले समय में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जकीर रहमान खान, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मुस्लिम कल्याण संगठन का, और हमने 2 तारीख को पुनः फिर अभी ज्ञापन दिया था, 3 तारीख को कलेक्टर साहब को, 2 तारीख को मार्च में, मगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए मजबूरन हमको आज जो है ये धरने पे बैठना पड़ा है। अगर इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होंगी तो फिर हम आमरण अनशन पे बैठेंगे, और जब तक आमरण अनशन चालू रहेगा तो हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी। बेटी है तो कल है संस्था द्वारा महिला सम्मान रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। सराफा से गस्कताजिया, गस्कताजिया से छपरवाला पुल होते हुए हजीरा तक पड़ाव पहुँचेगी, पड़ाव से हजीरा, हजीरा भोले का मंदिर, भोले का मंदिर होते हुए 7 नंबर चौराहा, बारादरी, गांधी रोड, और फिर वापस गांधी रोड से होते हुए फिर पड़ाव वापस होते हुए वहीं समापन करेंगे बेटी बचाओ चौराहे पे। और महिलाओं की सशक्तिकरण, बेटियों के उत्थान और बेटियों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य के लिए लोगों को जागरूक, इस रैली के माध्यम से जागरूक करने के लिए रैली निकाली जा रही है। आपके माध्यम से लोगों से निवेदन है कि बेटियां हमारे परिवार की खुशियां हैं और हम सब उन बेटियों को सुरक्षित रखें और शिक्षित बनाएं, समाज में उनका होना बहुत ज़रूरी है। और देखा जा रहा है कि पहले से बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। जब हम समानता की बात करते हैं, लेकिन हमें अभी भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, इसलिए आपके माध्यम से पुनः निवेदन करूँगी, बेटियों को आने दें और बेटियों को आज़ादी से उनकी इच्छा के अनुसार
वो जो काम करना चाहें उनको करने दीजिए। और कहते हैं कि जब बेटियां एक हर मैदान में बेटियां हैं और मैदान में डटकर हर मुकाबले को सामना करते हुए आगे बढ़ रही हैं। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सारी बहनों बेटियों को बधाई देती हूँ। क्राइम ब्रांच ग्वालियर ने फर्जी तरीके से SSC परीक्षा देने वाले आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की और पूरी गैंग का खुलासा किया। 7 मार्च को फरियादी रवि कुमार द्वारा थाना बिजोली में लिखित शिकायत पर से फर्जी तरीके से SSC GD की परीक्षा देने आए संगीत लड़के हरिओम तोमर निवासी ग्राम बरवाई मुरैना व उसका साथी अमन सिखरवार निवासी बागचीनी मुरैना को VVM कॉलेज चित्तौरा रोड ग्वालियर से पकड़ा थाना बिजोली में अपराध पंजीवृत किया गया। क्राइम ब्रांच ग्वालियर विनोद छावई द्वारा मैं थाना टीम में 7 कार्रवाई करते हुए अमन सिकरवा निवासी बागचीनी मुरैना व हरिओम तोमर निवासी ग्राम बरवाई मुरैना से गहन पूछताछ पर से अन्य आरोपी कालीचरण शर्मा निवासी मुरार को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पूछताछ पर से फर्जी प्रिंट तैयार करने वाले आरोपी राहुल गोयल निवासी फिरोजाबाद को अरेस्ट किया गया व उसके कब्जे से फर्जी फिंगरप्रिंट तैयार करने वाले सामग्री को जब्त किया गया। फर्जी तरीके से अपने फिंगरप्रिंट अमन सिकरवार की सहायता से तैयार करवाकर अपने स्थान पर अन्य को परीक्षा में फर्जी तरीके से अपने स्थान पर भेजने वाले आरोपी गढ़ कोमल कौरव निवासी ग्राम टेंटोना जिला भिंड व करीम खान निवासी पनिहार ग्वालियर को अरेस्ट किया। गिरफ्तार आरोपियों से मामले में जुड़े अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पूरा गिरोह जो सामने आया उसमें हम लोगों ने अभी कुल मिला के 6 गिरफ्तारियां की है। इसमें एक कालीचरण शर्मा मुरार का है, एक रोहित गोयल फिरोजाबाद का है और जो कैंडिडेट है वो है। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि ये फिरोजाबाद में जो गोयल है उससे फिंगरप्रिंट एक पतली पॉलीथीन में बनवाते थे और उसको फिर अपने अंगूठे में जो सॉल्वर जिसको ले जाते थे उसमें इम्प्लांट करके और परीक्षा केंद्र में प्रवेश कराने का प्रयास करते थे। और जो कालीचरण शर्मा हैं वो ऐसे लड़कों को जो सहजता से इनकी बातों में आ जाते थे उनको इकट्ठा करते थे ताकि उनके जो कैंडिडेट हैं उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को भेजा जा सके। तो इसमें हमको जो सॉल्वर हैं वो साथ में जो पूरा इसको अरेंज करते थे वो और जो फिंगरप्रिंट बनाने में इनका सहयोग देते थे उन सभी को गिरफ्तार किया गया। अपने आप में अलग तरह का मामला है तो इस तरह पकड़ा गया पहले भी 2016 और जो उसमें पहले ये पकड़े गए हैं, लेकिन क्योंकि हर बार एक जो कैंडिडेट रहते हैं उनको ये भरोसा दिलाने में सफल रहते हैं कि आप हम दूसरे व्यक्ति को आपकी जगह परीक्षा दिला देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस लोभ में आकर के फिर से इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। इनका बैकग्राउंड क्या है? जो मैं अमन सिकरवार है वो BSc किए हुए हैं और वर्तमान में परीक्षा की तैयारी कर रहा है अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की। जो इसकी जगह बैठा था हरिओम वो MR का काम करता है और जो KC शर्मा है कालीचरण शर्मा है वो दलाली का काम ही करता है अलग से कोई विशेष। कितने लोगों के साथ अभी तक लड़ चुके हैं ये? इनसे भी पूछताछ की जा रही है, वर्तमान में अभी 6-7 लोगों का पता चला है और आगे विवेचना में जो आगे जानकारी और मिल सकती है। सर आरोपियों के साथ में मशीन भी जो इनसे पकड़ाई आई है वो मशीन किस तरह की है, कहाँ से खरीदते थे, क्या खासियत है इस मशीन की? ये मशीन दरअसल वो स्टाम्प वेंडिंग का भी काम करता है जो रोहित गोयल है और अलग अलग डेट लगाने के लिए जो अलग पत्र बनाते हैं या बंद पत्र बनाते हैं उसमें डेट पंचिंग मशीन है वो जिसका कि उपयोग अलग अलग कागजों में ही करते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित बिटिया उत्सव में सारे गामा शो की विनर इशिता विश्वकर्मा ने प्रस्तुति दी। Oh,
ग्वालियर पाल समाज की बैठक जल विहार में आयोजित की गई। क्राइम ब्रांच ग्वालियर ने फर्जी तरीके से एसएससी परीक्षा देने वाले आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। बेटी है तो कल संस्था द्वारा महिला सम्मान रैली निकाली गई और कैलाशवासी माधव सिंधिया की जयंती का कांग्रेस पार्टी ने प्रभाव। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें, अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक लिए नमस्कार।